अभी टिपले है टिपोजी टिप दिले है फिर से बना कहाँ टिप आ ले रहे अभी टिपले नहीं थे अब बोल दिए अभी बटोरा बनाने के लिए मैदा ले लिए हैं 250 ग्राम इसमें हम थोड़ा सा मीठा सोडा पाउडर डालेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हम नमक डालेंगे हल्का और इसमें हम ये रिफाइंड फॉर्चून डालेंगे थोड़ा सा और ये दही है दही डालेंगे हम इसको हम मिलाएंगे और हल्का हल्का पानी डालेंगे इसको ज़्यादा कड़ा नहीं रखना है ये देखिए हम मैदा को हम सान रहे हैं इसको ऐसे ऐसे पटकना है और 10 बार पटकने से और बढ़िया बनेगी इसको इसको ज़्यादा कठिन नहीं रखना है और थोड़ा सा ऑयल डाल के हम थोड़ा सा अथी करेंगे सानेंगे इसको अभी इसको मोलाइम रखना है कड़ा नहीं करना है देखिए रखना है 8-10 मिनट के लिए छोड़ देना है देखिए कितना बढ़िया मुलायम बन चुका है इसको ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा अच्छी तरह से पैन गरम हो चुका है देखिए इसमें से हीट आने लगा है और मैं अब इसमें डालूंगी ऑयल और इस ऑयल को अच्छी तरह से हम इसमें जब तक इसमें से हीट ना आने लगे धुआं पास ना होने लगे तब तक इसमें हम भटूरे नहीं डालेंगे नहीं तो हमारा भटूरा फूलेगा नहीं मैंने ऑयल को डाल लिया अब इसे अच्छी तरह से हम गर्म होने देंगे ये देखिए मेरा भटूरा को फुला रहे हैं डाल रहे हैं और इस तरह से तेल को ये करते रहना है जिससे मेरा भटूरा फूल जाए देखिए किस तरह से ये फूल गया है और इसे हल्के से पलट लेना है और इसके लिए फ्लेम को दम हाई रखना है और इसको जस्ट निकाल लेना है मेरा भटूरे देखिए कितना टेस्टी फूला है और कितना फूला है